रिकॉर्डिंग हो गई थी स्टार्ट। अच्छा अभी बिस्मिल्लाह करते हैं हम। एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अब इसमें हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास आएगा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है। ये आएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन। जब ये फर्स्ट फंक्शन आ गया तो इसको फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख लिया। सेकंड फंक्शन की एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, एक्स स्क्वेयर ओवर टू माइनस इंटीग्रेशन, जो हमारे पास इंटीग्रेशन पहले हमने ली है वही इंटीग्रेशन हमने उठा के इधर लिख देनी है बाय पार्ट्स फार्मूला के जरिए। हमने फार्मूला पढ़ा था आई लेट सी वाला, उसको माइंड में ही रखना है आप लोगों ने ना, आई लेट सी। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास डेरिवेटिव ये आता है वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। अब रही बात, इधर बन गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर। कल हमारे पास एक क्वेश्चन आया था उसमें ऊपर था, इधर एक्स स्क्वेयर नहीं था, सिंपल एक्स था। तो हमने क्या किया, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बना लिया था, उसको लॉग में लिख दिया था नीचे, ये अंडर रूट भी नहीं था। लेकिन अब इसमें हमारे पास अंडर रूट भी आ रहा है और साथ हमारे पास ऊपर भी पावर वही आ रही है जो नीचे पावर है। ऊपर भी एक्स स्क्वेयर है, नीचे भी एक्स स्क्वेयर है। हमने क्या किया, जो माइनस बाहर था इधर, ये वाला जो माइनस था इसको हमने प्लस कर दिया और माइनस इसके साथ अटैच कर दिया। ये काम क्यों किया है, क्योंकि हमने नीचे वाली टर्म हमने एज इट इज वही बनाने थे। नीचे वाली टर्म्स बनाने के लिए हमने क्या किया, उसमें वन ऐड भी कर दिया, वन सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, अगले स्टेप में ये कर दिया हमने। फिर हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन ये नीचे वाले की तरह नहीं बन गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने इस पार्ट को अलग कर दिया, इनका एलसीएम अलग कर दिया, माइनस वन ओवर ये वाला इंटीग्रेशन, ओ सॉरी ये वाला पार्ट हमने अलग कर दिया। ये वाला पार्ट अलग करने के बाद ये हमारे पास कितनी है पावर, नीचे हाफ, हाफ पावर कैंसिल होकर ऊपर कितनी पावर रह जाएगी, हाफ पावर रह जाएगी, उसका अंडर रूट रह जाएगा। फिर एट द एंड हमने जब वन बाय टू भी मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर देनी है और डीएक्स अप्लाई कर देना है। डीएक्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास हम देखते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आता है। यहाँ तक जो था वो क्वेश्चन हमने कल रिपीट कर लिया था, आज थोड़ा सा हमने उसका ओवरव्यू दिया है, तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, वन बाय टू को मल्टीप्लाई, जैसे आपको बताया था मैंने, वन बाय टू और इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है सेपरेट सेपरेट दोनों के साथ। जब करेंगे अब ये देखें, ये किसका इंटीग्रेट डेरिवेटिव होता है, अभी हमने लिखा भी है, ये वाला डेरिवेटिव किसका होता है अली बताओ भाई, ये साइन का होता है, ये साइन इनवर्स का होता है। साइन इनवर्स का अभी हमने लिखा नहीं था ऊपर, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव यही होता है। अब yes, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन जब लेंगे तो वो इसकी इंटीग्रे, ये डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ये होता है, इसकी इंटीग्रेशन होती है हमारे पास साइन इनवर्स। ठीक हो गया, अभी अब ये देखें, ये उसने डायरेक्ट क्या लगा दिया इसमें, साइन इनवर्स लगा दिया, ये साइन इनवर्स वन। अब ये देखें वन ओवर टू आई वन, अब ये आप पूछते थे ना वो 3.3 में आई सर लिखता है, वो क्यों लिखता है, लिखने की रीजन इस क्वेश्चन में समझ आती है हमें। वो इसलिए लिखता है कि इस साइड पे शुरू में उसने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को ना आई के बराबर, शुरू में देखें आई के बराबर, लेट सपोज किया हुआ उसने ना आई के बराबर। आई हमारे पास क्या आ गया, ये वाला सारा फंक्शन जो भी था उसको हमने सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेशन जब अप्लाई किया। अब इस फंक्शन को हमने एक नाम और दे दिया आई वन का, आई वन का नाम देने के बाद हमने इसको अलहदा सॉल्व करना है। जब इसको नाम दे देते ना कोई भी नाम दे दे उसको, तो उसको हमने अलहदा सॉल्व करके दोबारा वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर देनी है दोबारा, वो इसको में पुट करना है कि मतलब ये अगर हम लेते जाएंगे साथ हमें ये वाला स्टेप भी करना पड़ेगा और एंड वाला भी लिखना पड़ेगा। तो इससे जान छुड़वाने के लिए उसने क्या किया, उसको लेट कर दिया आई के बराबर। जब आई के बराबर सपोज कर दिया तो इसका क्वेश्चन हमने किया हुआ था 3.3 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 8 उसमें था हमारे पास, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 जो आप लोगों के उसमें भी आया था मिड में भी, ये जो सेंड अप्स हुए
उसमें अब हमारे पास ये वाली टर्म्स बनती कैसे है, ये बेसिकली वो इनिशियल में 135 और 136 पेज आई थिंक, जिसमें सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स की जगह हम पुट करते हैं इसमें, हाँ साइन थीटा। ए साइन थीटा। अब इधर ए की जगह क्या आ रहा है, इधर वन आ रहा है, तो ए की जगह इधर क्या आ गया, वन। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास dx cos थीटा, लेकिन ये मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से 3.3 एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुके हैं। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं या मूव करूं आगे इसको? सही, आगे चले। बाकी कोई और किसी को इश्यू तो नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 3.3 वाला, वो कंप्लीट करने के बाद जो इनका आंसर आएगा वो हमने पुट कर देना है। आपको बताया था ना यूजिंग वैल्यू ऑफ I1 किस में पुट कर देनी है, उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन थी उस क्वेश्चन में हमने पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये आ गया, और एट द एंड आपको पता है आपने सी मेंशन लाजमी करना है। अच्छा अभी नेक्स्ट अली क्वेश्चन कौन सा है? सी 15 है, 15 हो गया ना। सेकंड, 14 हो गया ना, 14 हो गया, 15 करना था। 15 करना। ये उम्र को क्या हो रहा है अभी, उम्र बार बार कभी आ रहा है कभी जा रहा है। ये बस ऐसे ही। अच्छा अभी 15 क्वेश्चन करने से पहले हमने देखना है, अब इसमें देखें जितने भी क्वेश्चन हमने पीछे अभी तक किए हैं हर एक में दो फंक्शन आ रहे थे, एक और दो, लेकिन इसमें तीसरा फंक्शन भी आ गया, कोज एक्स भी आ गया। अब हमारी कोशिश है कि इसको रिजोल्व करना है हमने, कि कोशिश ये करनी है इसको दो फंक्शन में, क्योंकि तीन फंक्शन की अभी हमने इंटीग्रेशन एफएससी में एफएससी लेवल तक पढ़ी नहीं है। इसको रिजोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास जो थे उसमें फार्मूलाज, डबल एंगल फार्मूला हमारे पास उसमें क्या था, ये बल्कि उसने मेंशन किया हुआ है साइन टू एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स कोज एक्स। अब देखें इधर साइन एक्स भी है कोज एक्स भी है, बस किसकी कमी है, टू की, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इस पूरे को हमने फार्मूला क्या लिख दिया, साइन टू एक्स। ये सारा काम क्यों किया है, आपको पहले बताया कि हमारे पास इधर तीन फंक्शन आ रहे हैं, एक ये नंबर दो ये नंबर तीन, तीन फंक्शन की हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है। मतलब अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, तीसरा फंक्शन हम लिख लेते हैं टी ऑफ एक्स और डी एक्स, इसकी हमारे पास अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन इसकी नहीं की, हमने क्या किया, हमने इसको दो डबल वाले में चेंज कर लिया, दो फंक्शन वाले में। वो कैसे चेंज किया, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, वो हमारे पास क्या बन गया, साइन 2x। अब इसमें हमें फंक्शन कौन सा रखना है, पहले फंक्शन कौन सा पहले रखेंगे इसमें? यस सर, यस सर नहीं बताएं, ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन वाला, साइन वाला पहले रखेंगे या एक्सपोनेंशियल पहले रखेंगे? सर साइन साइन वाला, वाला ट्रिग्नोमेट्रिक वाला था। वो आई लेट से बनेगा ना हमारे पास, आई लेट सी टी से ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इसका मतलब ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया सेकंड फंक्शन। अब ये देखें सही, जो ये जो ऊपर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में सी मल्टीप्लाई हो रहा है आंसर में, कौन से वाला, क्वेश्चन नंबर 14 के लास्ट आंसर में सी मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। एक मिनट ऊपर देखिए। कहाँ पे है? ला ये आंसर पर, आंसर में हाँ ये आंसर, जी ये 1/2 है ना, नहीं, आपने कहा ना सी ऐड करना लास्ट क्वेश्चन पर ना। तो वो कॉन्स्टेंट उसने यही कर दिया ना। आपको याद होगा कि उस क्वेश्चन में था आपके, एक क्वेश्चन में आपके पास आया था ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी,
3.3 एक्सरसाइज में आया नहीं था इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास, देखें yes. हाँ हमारे पास ए एक्स के नीचे वाली टर्म में होगा, हमारे पास अंडर रूट के अंदर ए एक्स के है, नजर आया yes, sir. उसमें हमारे पास जब हम सॉल्व करते हैं ना वो सी हमारे पास कांस्टेंट बिहेव कर रहा था एक फंक्शन के रिस्पेक्ट, लेकिन हमने उसके साथ भी अटैच किया था एक कांस्टेंट। अब ये देखें ये क्वेश्चन उसमें जब आप देखेंगे ना तो ये हमारे पास आ रहा था ये वाला क्वेश्चन, ये इसने लैग्रैंज इंटीग्रेशन जब सॉल्व की थी ना इसकी 1/2 वाले की, तो इसकी इंटीग्रेशन जब सॉल्व करने के बाद वो ये जब इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व करता है इंटीग्रेशन अलग सॉल्व करने के बाद उसके पास ये आंसर बनना था, क्योंकि उसके साथ भी आना था ना सी, वो उसने पूरे का पूरा पोर्शन वही उठा के लिख दिया, जब वो पूरे का पूरा पोर्शन उठा के लिखा तो ये 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। आप इसकी जगह 1/2 लिख भी दें ये भी कांस्टेंट है, या अकेला आप सी लिख दें वो भी ठीक है, क्योंकि आपको वो एग्जांपल इसकी बताई थी वो वाली y इक्वल टू किसके होता है x स्क्वायर माइनस 2 फिर y इक्वल टू आपके पास वो तीन चार एग्जांपल नहीं बताई थी आपको -5 कोई भी सी हो सकता है इसमें से, ठीक हो गया सर पता लग गया। हाँ सी की वैल्यू मतलब कोई भी हो सकती है, वो 1/2 सी लिख सकते हैं आप, 1/2 सी ना भी लिखें तो आपको पता है कि वो आप सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा अभी ये देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे, अब ये देखें हमारे पास ये आ गया e की पावर x साइन 2x। अब चंद एक क्वेश्चन इस तरह के भी हैं जिसमें हमारे पास जैसे ये देखें इसने आई लेट सी वाले फार्मूले को अप्लाई नहीं किया इसमें, अब हमें पता है क्योंकि ये भी ना खत्म होने वाला है ये भी ना खत्म होने वाला है, मतलब जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे या इसकी इंटीग्रेशन लेंगे इनका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है इनकी इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है, जब हम देखते हैं ना ये वाला फार्मूला आई लेट सी वाला तो हमारे पास इसमें आते हैं, मतलब बेसिकली तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आना चाहिए था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में, इसने अब क्या कर लिया इसको 1 रख लिया इधर 2 रख लिया, अगर हम सिंपल वैसे भी करेंगे ना आई लेट सी वाले फार्मूले को यूज करके एट द एंड आई इसमें जो सपोज करते हैं ना एट द एंड उस तरह की टर्म दोबारा बन जाएगी, ये वाली टर्म दोबारा क्रिएट हो जाएगी, दोबारा क्रिएट होने के बाद वो उसको दोबारा फिर आई पुट करेगा, आई पुट करने के बाद सॉल्व कर लेगा इस क्वेश्चन को ना। अब देखते हैं हमारे पास अब जैसे इसने किया है ऐसे भी करते हैं, इसके बाद हम अपना तरीकाकार भी करते हैं जो हमारे पास आई लेट सी वाला है, इसने अब फर्स्ट फंक्शन रख लिया इसको सेकेंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, अब ये देखें ई की पावर एक्स साइन 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होती है -cos 2x/2 माइनस फार्मूले वाला इंटीग्रेशन, यही जो इंटीग्रेशन आई थी हमने ली थी पहले वही इंटीग्रेशन दोबारा इधर आ गई, ई एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा ई की पावर एक्स ही, ये बन गया -1/4 ई की पावर एक्स कोज एक्स कोज 2x माइनस माइनस ये प्लस हो गया 1/4 ई की पावर एक्स कोज 2x, जब इस पे फिर अगेन फार्मूला लगाएंगे हमारे पास बाय पार्ट्स फार्मूला, ये क्वेश्चन तो हमारे पास साथ साथ चलता जाना है, जब इस पे दोबारा पाई पार्ट्स फार्मूला लगाएंगे जैसे हमने इधर 1 पहले को इसको कहा एक्सपोनेंशियल को उसी तरह ही हमने इसमें भी फर्स्ट इसको, ये तरतीब याद रख लेनी है कि जब भी आपने मतलब एक को फर्स्ट कह दिया है ना थ्रू आउट क्वेश्चन क्वेश्चन में पहली दफा उसमें अगर हमें दोबारा इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ रही है तो हमने उसको फर्स्ट फंक्शन ही रखना है उसको सेकेंड फंक्शन नहीं करना, ई की पावर एक्स का वैसे ही आ गया cos 2x का इंटीग्रेशन
साइन टू एक्स ओवर टू माइनस फॉर्मूले वाला इंटीग्रेशन साइन टू एक्स ओवर टू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स. अब ये देखिए दोबारा वही चीज नहीं बन गई आपको बताया था जो ई की पावर एक्स साइन टू एक्स और टू निकाल दें जब तो क्या बनेगा साइन टू एक्स और ई की पावर एक्स वही चीज बन गई हमारे पास. अगर आप इस तरह करते हैं अगर आप हम करते हैं दूसरे तरीके से हम इधर कर लेते हैं दूसरे तरीके से ना बल्कि यहाँ इसको कंप्लीट करके हम देखते हैं अब ये देखें ये क्वेश्चन तो हमारे पास सिंपल था वैसे का वैसे ये भी वो जब दूसरी इंटीग्रेशन सॉल्व की तो वो भी एज इट इज आ गया. अब ये किसकी जगह आ गया इसकी जगह हमने क्या पुट करना है इसकी जगह शुरू में हमने इसको पुट किया हुआ आई जब हम इसको आई पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस वन बाय टू आई और वो हमारे पास ये देखें ये सारे का सारा क्वेश्चन है ये जब हम इसको पुट करेंगे ना आई के बराबर आई हमारे पास इनिशियल में आ रहा था उधर 1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन 2x. अब देखें हमारे पास आंसर क्या है ई की पावर एक्स साइन 2x ये 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा जब आएगा इसके साथ. तो ये हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करने के बाद ये आई वाली टर्म्स एक तरफ हम सारी की सारी ले जाएंगे उधर से जो भी टर्म आएगी 4/5 है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगी 5/4 है दूसरी तरफ जाके हमारे पास बन जाएगी 4/5. ये क्वेश्चन था उसने सॉल्व किया हमारे पास जो आई लेट सी को यूज नहीं करता वो इस फार्मूले में ना हम करते हैं आई लेट सी वाले फार्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. करना हमने उसी तरह यहाँ आई सपोज करना है आई टर्म हमारे पास आगे फिर जनरेट हो जानी है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा. अब जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ये देखें यहां तक सबको क्लियर है e की पावर x साइन 2x इधर से अब हमने मूव करना है इसको हमने कह देना है सेकंड फंक्शन इसको हमने कहना है फर्स्ट फंक्शन साइन 2x e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होती है e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x और साथ 2 भी आएगा क्लियर हुआ कि नहीं. ये देखें साइन टू एक्स हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया और सॉरी इंटीग्रेशन ली ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स वैसे की वैसी कोस टू एक्स कहाँ से आया जब साइन टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे इस साइन टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वो क्या बन जाएगा कोस टू एक्स और साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव वो होता है टू आएगा तो ये बन गया पोर्शन. अब इधर से हमारे पास बन गया ई की पावर एक्स साइन 2x माइनस 2 इंटीग्रेशन e की पावर x cos 2x dx. अब उसी तरह इसको फिर हमने फर्स्ट फंक्शन कह देना इसको सेकंड फंक्शन ये बन गया हमारे पास e की पावर x साइन 2x माइनस 2. अब ये देखें इनमें हमारे पास क्या बनेगा cos 2x e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 2x और एक 2 इनका जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तब आएगा. यहां तक क्लियर सबको? यस सर. ठीक हो गया. अब ये देखें e की पावर x साइन 2x माइनस 2 e की पावर x cos 2x माइनस माइनस प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा ये बनेगा 4 और इधर क्या बन गया इंटीग्रेशन e की पावर x साइन 2x.
dx ठीक हो गया। अभी यहां तक क्लियर है। अब ये देखें, ये पोर्शन दोबारा वही नहीं बन गया जहां से हमने स्टार्ट किया था काम, ये वाला। अगर मैं इधर लिख देता हूँ इसको ना, इंटीग्रेशन, बल्कि इधर साइड पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन e की पावर x साइन 2x और साथ 1/2 है इक्वल टू i के। अब ये देखें, ये पोर्शन वही नहीं बन गया दोबारा जो हमने पहले यहां से लेके चले थे, e की पावर x साइन 2x। अब इसकी जगह हमने ये सारी की सारी वैल्यू जब पुट करेंगे इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, हमने क्या सपोज किया हुआ है, अगर आपने इसको ख़त्म भी करना है ना, आप इसको ख़त्म करके ये सारे का सारा पोर्शन इस तरह वो ख़त्म हो जाएगा 1/2। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हमने जो शुरू में इसको सपोज किया हुआ है, ये नहीं किया हुआ, तो इधर से हमारे पास बन जाएगा e की पावर x, ये इसका फार्मूला एक्सपेंड कर दें, 2 sin x cos x dx, 2 2 से कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x cos x। सर जी जी यही सारा मिक्स हो रहा है, समझ नहीं आ रही मुझे, सारा मिक्स हो रहा है। यहां तक क्लियर था जी। यहां से आगे ना उसने इनकी वैल्यू पुट करनी है इस पूरे पोर्शन। ये व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया करें आप यहां से। अच्छा भी अब इस पे दोबारा सॉल्व करना पड़ना है। वो लास्ट वाले स्टेप क्या थे भला, आई बराबर बल्कि ये शुरू से क्वेश्चन लिखवा दो, शुरू से इस व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं क्वेश्चन। तो ये वाला कर लेंगे, अगर अगर अगला कोई बड़ा क्वेश्चन है तो वो व्हाइट बोर्ड पर कर लीजिएगा आप। ये क्लियर हो गया, मतलब इन शॉर्ट ये था कि जहां पे उनकी वैल्यू ये दोबारा आ जाती है ना, इंटीग्रेशन e की पावर x sin 2x, उसको दोबारा हमने i पुट कर लेना है, आई पुट कर लेना आई, फिर जो भी आंसर होगा -8 होगा आई, या जो भी होगा 1/4 आई होगा, उसको दूसरी तरफ ले जाना है, आई में से माइनस कर देना 1/4 आई, दूसरा आंसर जो भी इधर लिखा होगा। तो इनको जब करेंगे सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर हमारे पास आएगा उसको हमने मतलब आई की वैल्यू के साथ कोई भी इधर मल्टीपल होगा ओवर वाली फॉर्म में, तो उसको हमने दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें, एक मिनट, ये मैसेज भी कोई कर रहा है। चलें अभी नेक्स्ट हम करते हैं आगे। नाइनटीन पार्ट यस सर। अच्छा अभी ये देखें, ये 19 पार्ट है, 19 पार्ट में हमारे पास उसी तरह, अब इसको हम व्हाइट बोर्ड पे हल करते हैं, व्हाइट बोर्ड निकाल के ना ऐसा करते हैं, इसको ना व्हाइट बोर्ड पे ही हल कर लिया करेंगे। अली लिखवाना क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर, यस सर, इनटू dx। अच्छा भी ये देखें इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें पता है लॉग का इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद ही नहीं है, हमारे पास पहला दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह के थे, दूसरा तीसरा बल्कि,
इस पार्ट इस क्वेश्चन के ना, तो हमारे पास हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स का स्क्वायर और साथ वन लगा लेना है। अब हमने इस फंक्शन को आइलेट सी वाले फार्मूले के जरिए हमने इस फंक्शन को वन कह दिया और इसको टू फंक्शन। अब हमारे पास लॉग एक्स का स्क्वायर एज इट इज आ गया, वन की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स, इसका एक्स एज इट इज। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, टू नीचे, टू में से एक कम और पावर के बगैर वाले का डेरिवेटिव वो क्या होगा, वन ओवर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, इधर बन गया हमारे पास एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस टू लॉग एक्स डी एक्स। क्लियर है यहां तक? सर अब आपकी आवाज कट कर आ रही है, वीडियो भी रुक गई थी। नहीं नहीं अब ठीक आ रही है। यस सर। अच्छा जस्ट इसमें सिंपल हमने बाय पार्ट्स फार्मूला अप्लाई किया था, टू उसका जब डेरिवेटिव लेंगे टू नीचे, टू में से एक पावर कम कर देंगे, वन ओवर एक्स उसका डेरिवेटिव वन ओवर एक्स आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, टू कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया। अब इस पर फिर दोबारा हमने फार्मूला अप्लाई करना है। अब इसका हम इसको साइड पे हल कर लेते हैं, इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन कैसे करनी है, लॉग एक्स साथ वन लगा लिया, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन कह दिया, इसको हमने सेकंड फंक्शन कह दिया, लॉग एक्स वन की इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन ओवर एक्स। अब आ गया ये हमारे पास एक्स लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स, ये बन गया हमारे पास एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब इसकी जगह हमने पुट कर देनी है वो वाली वैल्यू, जब पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस टू, माइनस टू से अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमने ये सारे पोर्शन को, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस टू एक्स लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स और माइनस टू सी, उसको आप अगेन दोबारा क्या पुट कर सकते हैं सी। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। अच्छा अभी नेक्स्ट वाली कौन सा है, ये रेज कर दूं? यस सर। सर नेक्स्ट है 21 पार्ट है, नेक्स्ट 21st। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट 21st में हमारे पास हमने क्या करना है, 21st में हमारे पास इधर ही कर दूं या व्हाइट बोर्ड पे कर दूं आगे? सर वहां से करें, अगर कोई बात जरूरी समझाना हो तो फिर व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अभी ये देखें, अच्छा अभी आ जाएं अभी अपने, ये देखें अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास i इक्वल टू एक्स साइन वर्स ऑफ एक्स। अब ये देखे साइन वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिकली ये डेरिवेटिव दिया हो ना उसका, देखा जाए तो ये पूरे का पूरा डेरिवेटिव नहीं है उसका। यस सर, सारा डेरिवेटिव मौजूद है उसका। क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। और साथ इधर क्या हमें एक्स ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया होना चाहिए था, इधर आना चाहिए था माइनस टू, लेकिन इधर केला क्या है एक्स है, तो उसने क्या किया, इधर उसने तरतीब बना ली साइन वर्स ऑफ एक्स। अब साइन वर्स एक्स इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या आना था माइनस टू एक्स, इधर माइनस टू की कमी थी, माइनस टू से उसने मल्टीप्लाई भी कर दिया
और डिवाइड भी कर दिया, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो वो हमारे पास उसका आंसर आगे कंप्लीट हो गया। आगे मैं बताता हूं इसका, अच्छा अभी ये देखें, अब ये हमारे पास दो फंक्शन बन गए हैं हमारे पास, ये देखें ये दो फंक्शन कौन कौन से बन गए, एक फंक्शन ये बन गया और एक ये पूरा पूरा फंक्शन बन गया। अब हमारे हमें तो ये पता है कि हमारे पास इस फंक्शन का कोई भी नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं होती हमारे पास, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है, वो कैसे, क्योंकि इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव अवेलेबल है, ठीक है। इस फंक्शन को हम आईलेट सी वाले फार्मूले से रखेंगे, इस फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन, इस पूरे फंक्शन को हमने क्या कह दिया, सेकंड फंक्शन। अब ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आ गया, जब इसको हम फार्मूला लगाएंगे साइन वर्स ऑफ एक्स ऐसे ही आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी पावर में एक जमा कर देंगे, उसकी पावर वही नीचे, वो ये किया होगा उसने अगले स्टेप में ना, ये देखें ये इधर आ गया हमारे पास, वो वन बाई टू तो कांस्टेंट सबका बाहर आ रहा था, साइन वर्स ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन था, दूसरे फंक्शन की जब हमने इंटीग्रेशन की तो उसकी पावर में क्या किया, एक वन ऐड भी कर दिया वही नीचे, माइनस यही वाला पूरा फंक्शन आगे आता है इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स में, और साइन वर्स एक्स की डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये देखें ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, सेम उसी तरह का नहीं बन गया जैसे हमें चाहिए, इधर यस सर, ये देखें वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, उधर वन बाय टू लिखा है, इधर उसने अकेला अंडर रूट लिख दिया, उसका मतलब ये यही होता है। अब ये वन बाय टू ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और इधर क्या रह गया हमारे पास, वन, वन की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स, वन की इंटीग्रेशन हमारे पास जब आ गई एट द एंड एक्स आ गई, तो ये हमारे पास उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है ये, किसी को अगर समझ नहीं आई दोबारा पूछ ले। क्लियर है, आगे स्टार्ट करें। चले जी सर करें, चले चले अली आगे बताओ क्वेश्चन कौन सा, जल्दी बताओ 3 मिनट रह गए हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने आ गए। हां हां, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कौन सा है, पार्ट 2 सेकंड 4x। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आपको बताया, ये 3.3 और 3.4 जो है ना इनमें से एक लॉन्ग आता है क्वेश्चन। 3.3 में तो आपको लोगों को बता दिया था क्वेश्चन नंबर जो 8 है उनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में ना, और 3.3 और 3.4 इन दोनों में से तकरीबन कुल मिला के पेपर तकरीबन 13 के नंबर का पेपर आ जाता है, मतलब एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन मिला के। ये कोई कंफर्म एक्सरसाइज बता दें हमें, कंफर्म एक्सरसाइज दोनों एक्सरसाइज है, मतलब ये दरअसल अब आपकी स्कीम भी होगी ना चेंज, बाज़ ऐसा होता है कि मतलब एक साल में ना अगर मॉर्निंग टाइम 3.3 में से आ गया तो इवनिंग टाइम उसमें आ जाता है 3.4 में से। अच्छा अभी ये देखें, अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, तो टाइम हो गया, अभी रहते हैं 2 मिनट रहते हैं, अभी हो जाना, ये क्वेश्चन हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है। अब सेकंड स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू अवेलेबल होती है, इधर सेकंड 4 है, हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, सेकंड स्क्वायर बनेगा तो वो बेसिकली सेकंड 4 ही, एक में हमने वैल्यू उसकी पुट कर दी टेन की, अब हमारे पास फार्मूला होता है 1 plus tan square x = sec square x, उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, उनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बनेगा, अगला स्टेप ये आना था इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर एक्स
प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेशन इनकी अलग अलग करनी थी, उसने क्या कर दिया इसको अंदर मल्टीप्लाई करके साथ इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दी दोनों की। अब सीकेंट स्क्वायर किसकी इंटीग्रेट डेरिवेटिव होता है टेन का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी टेन। अब ये देखिए टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, तो फंक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो उसकी पावर में हम क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे वही पावर नीचे। क्लियर है? यस सर। चलें भी अब टाइम भी रह गया एक मिनट, लेस देन वन मिनट रह गया, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें। चलें कोई नहीं, कोई इशू नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। किसी ने साग के साथ मकई की रोटी खानी है तो आ जाए। एड्रेस भेज दें सर जी। चले ठीक है भेज देते हैं, शायद टाइप करते करते वो ना हो जाए, डिस्कनेक्ट ना हो जाए। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। क्या रखिएगा सर जी, क्या रखिएगा अपना सर जी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया।